नल जल योजना शहरी क्षेत्र की बात करें तो अभी तक अधिकतर शहरों में कार्य प्रगति पर है। वैसे तो लगभग 4 साल पहले से काम चल रहा है, पर अभी तक अधिकतर शहरों में कार्य पूरा नहीं हुआ है। हर घर नल का जल कई शहरों में अमृत योजना के द्वारा पूरा किया जा रहा है। नलकूप की बात करें तो यह 450 mm x 300 mm x 150 मीटर गहरा है। मोटर की बात करें तो इस योजना में 50 HP का मोटर लगाया गया है। बिजली सप्लाई के लिए 63 kV का ट्रांसफार्मर का उपयोग किया गया है। 21 मीटर की ऊंचाई पर और लगभग 500 किलोलीटर से ज़्यादा पानी टंकी बनाया जा रहा है। शुद्ध पेयजल मुहैया कराने को लेकर सरकार नल जल योजना को सफल बनाने के लिए नई नई रणनीतियां तैयार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नल जल में इस्तेमाल होने वाले पाइप को कई शहरों में डस्ट यार्ड में रखा जा रहा है, जो कि इस्तेमाल किए जाने पर नुकसानदायक साबित हो सकती है। शहरी क्षेत्र में किसी प्रकार का फंक्शन पड़ जाए और वहां पानी की आवश्यकता पड़ जाए तो नगर निगम के द्वारा वहां टैंकर से जल मुहैया कराया जाता है। उसके लिए नगर निगम कार्यालय में जो शुल्क है वो शुल्क जमा करना होता है। शहरी क्षेत्र में जितना भी कनेक्शन हो रहा है सभी कनेक्शन में जल मीटर लगाया जा रहा है, जिसका शुल्क प्रत्येक महीना देना होगा। शहरी क्षेत्र में पानी का शुल्क कितना लगेगा वो नगर निगम तय। शहरी क्षेत्र में कुछ साल पहले चुनिंदा जगहों पर जल बोर्ड के द्वारा पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जाता था, जो कि आज के समय में सब ध्वस्त हो चुका है। अब फिर से नल जल योजना के तहत पूरे बिहार में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने को लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है, तो बहुत कम समय में शहरी क्षेत्र के सभी घरों में नल का जल पहुंचेगा। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और नल जल से जुड़ी ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।